तो दोस्तों, आज मैं नैना नागपुरी जो सुपर हिट रोमांटिक सॉन्ग है उसका लेसन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसमें कोड्स में दिखाऊंगा, गाने का कोड्स और गाना का जो इंट्रो पार्ट है वो जो एफ सस्पेंडेड कोड में है उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाना जो है वो एफ मेजर में है। एक बार मैं गा के सुनाता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं धीरे से बताऊँगा कैसे बजाना है। तोरी दीवाना करे लतुर नैना सुंदर गोरिया, नैना मुके तोरी दीवाना करे लतुर नैना सुंदर गोरिया, का जादू डाली तुए गोरी अरे मोरे परे, का जादू डाली तुए गोरी अरे मोरे परे। तो गाना है एफ मेजर में, आप बार कोड पकड़ सकते हैं या तो ऐसे जो ऐसे पकड़ते हैं ऐसे पकड़ सकते हैं नॉर्मल, ठीक है? बार कोड भी पकड़ सकते हैं, आपको जैसा सुविधा होता है आप एफ मेजर पकड़िए। उसके बाद में बी फ्लैट, सी मेजर, जी माइनर, ठीक है? नैना मुके तोरी दीवाना, दीवाना में बी फ्लैट, नैना मुके तोरी दीवाना करे लतुर नैना, फिर नैना में एफ मेजर, नैना सुंदर गोरिया गोरिया, सी मेजर, ठीक है? नैना मुके तोरी दीवाना करे लतुर नैना सुंदर गोरिया, का जादू, जी माइनर, का जादू डाली तुए गोरी बी फ्लैट हरे मोरे यू परे, फिर एफ मेजर, ठीक है? नैना का इंट्रो पार्ट मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, एफ सस कोड में है। जब होल बैंड बजता है, जब पूरा कंप्लीट आप गाना सुनते हैं तो आपको और भी मिसिंग कुछ, अगर इसको बजाएंगे तो कुछ मिसिंग लगेगा, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड में भी एक पैटर्न चलता है, वो है ये बजता रहता है इंट्रो में, उसके बेस भी आता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं या तो एज अ लीड गिटारिस्ट आप हैं तो आपको इस तरह से बजाने से भी काफ़ी है, क्योंकि जब आप बैंड में जाओगे या तो ग्रुप में बजाओगे तो कंप्लीट बेस पार्ट आएगा, फिर और एक रिदम गिटारिस्ट आएगा, तो आपको ये लगभग सेम ही लगेगा, ठीक है? तो कैसे बजाया जाता है इसको मैं दिखाता हूँ। एफ सस्पेंडेड कोड, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से आपको प्रेस करना है, उसके बाद थर्ड फिंगर को आपको फोर्थ स्ट्रिंग में, फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, फर्स्ट फोर फर्स्ट सेकेंड, ये बजा, क्या बजा? स्लोली मैं और एक बार दिखाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड इसको ये दबा ही रहेगा, उसके बाद आपको थर्ड फिंगर जो है ये केवल शिफ्ट होता है ऊपर नीचे, ठीक है? तो फर्स्ट में जो फोर्थ स्ट्रिंग में आप दबाइए, शुरुआत में आपको फोर्थ स्ट्रिंग दबाना है, उसके बाद में फर्स्ट फोर फर्स्ट सेकंड, उसके बाद में इसको छोड़ देना है, यहाँ पे दबाना है फोर्थ स्ट्रिंग से, ओपन फोर्थ ओपन बजेगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट में फिर कंप्लीट वहीं रिपीट होता है, और एक बार धीरे से दिखाता हूँ। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आप धीरे से देखिए इसको,
मैं जो जो बताया हूँ और कैसे बजाया हूँ आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिए, हो जाएगा कुछ हद तक। उसके बाद ये गाना, ये इंट्रो पार्ट है, उसके बाद गाना आता है, गाना आप सुने, आप सुन लीजिएगा, बहुत ही रोमांटिक गाना है। और आप लोग जो भी बजाते हैं गिटार, आप लोग ज़रूर इसको बजाइए, अच्छा लगेगा आप लोग को और दूसरों को भी अच्छा लगेगा, और दूसरों को भी सुनाइए, क्योंकि अभी सबके घर में ही है, और आप खुद के लिए भी होगा, दूसरों के लिए भी होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे अच्छे ऐसे गिटार लेसन डालने का यूट्यूब में और मेरे चैनल में डालूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी डिमांड हो तो बोल सकते हैं, और केवल नागपुर ही नहीं, मैं कोशिश करूँगा हिंदी हिंदी गाना का भी डालने का, बॉलीवुड सॉन्ग्स है, कोई भी गाना हो तो आप मुझे बोलिएगा, ज़रूर मैं डालूँगा इसका। थैंक यू।